हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक देखने वाले भैया, क्या देखने वाले हैं? स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम देखने वाले हैं। और क्या देखने वाले हैं? फाइल सिस्टम में देखेंगे। फाइल सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, लाइक व्हाट इज फाइल, टाइप्स ऑफ डायरेक्टरीज, अगर टाइम मिलता है तो फाइल एलोकेशन मेथड्स भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास मिस मत करना भैया, क्योंकि पहला टॉपिक है स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, दूसरा है फाइल सिस्टम। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है फाइल सिस्टम में, हमें क्या देखने को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सरकार। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं उनको अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज खलील अहमद। आई हैव 10 प्लस ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन गेट। सब्जेक्ट विच आई एम डीलिंग ऑन अनअकैडमी इज ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आप प्लस पर कोर्स ले रहे हो तो खलील 10 कोड यूज करना भैया, आपको मिनिमम 10% डिस्काउंट मिलेगा। और क्या हमारे पास अनअकैडमी पर? भैया अनअकैडमी पर हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज अ सुपर सेट ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या मिलता है भैया? पर्सनल कोर्स मिलता है, जिससे आप अपने डायरेक्ट बात कर सकते हो, अपने डाउट क्लारीफाई कर सकते हो। स्टडी प्लानर मिलता है, एक्सपर्ट गाइडलाइन मिलेंगी, ईएससी क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे। भैया प्लस में क्या मिलेगा? प्लस में लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, तो भैया जल्दी करना, बहुत जल्दी प्राइस हाइक होने वाले हैं। फिर ये मत बोलना कि खलील सर ने बताया नहीं। ठीक है, चलिए फिर आज के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। क्या देखना है आज हमें देखना है पहला स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम देखना है। तो ठीक है, वही देखते हैं, पहला स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, फिर देखते हैं फाइल सिस्टम क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी दिस वन। दिस क्लास इज फॉर द सेमिस्टर बैच, और सेमिस्टर बैच में ही स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम है, गेट में तो अभी तक कुछ है नहीं उसका। ठीक है, लेट्स सी दिस वन। स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम भैया क्या है? मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, देखिए बात सिंपल है, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक बार बार, क्योंकि उसको मैं ओवरऑल पहले बोलना चाहता हूँ, बाद में समझाना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार बार है, जैसे कि यहाँ पर एक बार बार है। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर वेटिंग रूम में मल्टीपल चेयर्स हैं, फाइन। अब ये बार बार क्या करेगा, एट ए टाइम एक ही बंदे को सर्व करेगा। तो एक कोई भी बंदा अगर कस्टमर आता है तो क्या करेगा, इसको जगा देगा और उसको कटिंग करना शुरू कर देगा। जब ये कटिंग कर रहा है तो दूसरे लोग आएंगे और यहाँ पर वेटिंग चेयर पर बैठते जाएंगे। ठीक है, कितने लोग वेटिंग चेयर पर बैठेंगे भैया? चार चेयर है तो चार ही बैठेंगे, पांच है तो पांच बैठेंगे। ठीक है, अगर चार के अलावा और कोई पांचवा बंदा आता है तो क्या करेगा, वो देखेगा कि सारे के सारे चेयर्स फुल है तो वापस चला जाएगा। भैया इसी तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है, क्या है, पहले बार बार सो रहा है और कोई बंदा आता है तो उसको जगाएगा, फिर उसकी कटिंग होगी, और जब वो कटिंग कर रहा है तो हो सकता है कि दूसरे प्रोसेस भी आए, दूसरे बंदे भी आए और एक एक करके वो चेयर ऑक्यूपाई करेंगे। और जब सारे के सारे चेयर्स फुल हो जाएंगे, जब एडिशनल कस्टमर आएगा तो क्या करेगा, देखेगा कि बैठने के लिए कोई तो जगह है ही नहीं, तो बस वो बाहर वापस चला जाएगा। बस ये तीन मंत्रा पर ही ये वर्क करता है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इस कोड में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सो लेट्स सी दिस वन फर्स्ट। स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम बाई यूजिंग सेमाफोर, लेट्स सी दिस वन। मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, वन बार्बर चेयर, जो मैंने हमें देखा था, और एन वेटिंग चेयर। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा क्या भैया, एक बार्बर है, एक बार्बर चेयर है, और एन वेटिंग चेयर है, एन वेटिंग चेयर है, लेट्स सी दिस वन। अभी देखते हैं, वेन मेनी कस्टमर्स कम, इफ वन वेटिंग चेयर आर एम्प्टी, इफ वेटिंग चेयर आर एम्प्टी देन एम्प्टी दे विल सिट ऑन द वेटिंग चेयर। अगर आपको कस्टमर आते हैं बहुत सारे तो और वेटिंग चेयर देखते हैं कि खाली है तो वो बैठ जाएंगे, अगर फुल है तो चले जाएंगे। क्या करेंगे, दे विल लीव इफ नो चेयर इज एम्प्टी, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया था। ठीक है, कोई बढ़िया बात है। अभी देखिए सेमाफोर क्या क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं भैया कस्टमर का सेमाफोर, दैट इज आई विल से दैट काउंटिंग सेमाफोर, बिकॉज इट इज इंक्रीमेंटिंग मोर देन वन। ओके, सो दैट्स व्हाई आई विल से दैट क्लियरली काउंटिंग सेमाफोर। ओके, यहाँ पर मैं बार बार ले रहा हूँ, जीरो और वन ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं बार बार वेरिएबल को कहीं ना कहीं मैं भैया जीरो और वन लेकर, मतलब क्या, कहीं ना कहीं मैं इसको बाइनरी सेमाफोर वाला फंडा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जीरो का मतलब क्या है, सरकार आइडियल है या फिर बार बार सोए हुआ है। ठीक है, फाइन, और वन का मतलब क्या है, एक्टिव है। जैसा कि यहाँ पर बाइनरी सेमाफोर में हमेशा क्या क्या दिया जाता था, जब भी बाइनरी सेमाफोर का वैल्यू यानी कि म्यूटेक्स का वैल्यू वन होता तो क्रिटिकल सेक्शन अवेलेबल रहता, दैट मीन्स इन एक्टिव पोजीशन, कि वो किसी को भी होल्ड कर ले। ठीक है, और वो जीरो होता तो क्या मतलब, क्रिटिकल सेक्शन बिजी रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी जीरो का मतलब क्या है भैया, या तो वो क्या कर रहा है, या तो किसी एक्ट में बिजी है या तो फिर सोए हुआ है। ठीक है, वन का मतलब एक्टिवली अवेलेबल है, कि भैया आपके लिए मैं सर्व करूंगा आपको। ठीक है, इन चीज़ों का मतलब देखेंगे, जब तक हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखते इस चीज़ का मतलब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, म्यूटेक्स ले रहा हूँ मैं बाइनरी सेमाफोर टू इंश्योर दैट म्यूचुअल एक्सक्लूजन, फाइन। इंटीजर वेरिएबल वेटिंग हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भैया, इट इज ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर, ये कितने कस्टमर है ये काउंट करता है। ठीक है, द रीजन फॉर यूजिंग वेरिएबल वेटिंग
इज देर देर इज नो वे टू रीड करंट वैल्यू ऑफ सेमाफोर कस्टमर. ठीक है, सेमाफोर कस्टमर जो मैं ले रहा हूँ ना, इसको हम रीड नहीं कर सकते, इसलिए मैं अलग से वेटिंग वेरिएबल ले रहा हूँ, विच इज इंडिकेटिंग नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर. और उसको लेकर मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा कि भैया कितने लोग वेट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स सी दिस. यहां पर क्या क्या वेरिएबल ले रहे हैं, नंबर ऑफ चेयर्स एन, मान लो कि मैं एन इक्वल टू 3 ले रहा हूं, क्योंकि जितना बड़ा लूंगा मुझे इतनी ज्यादा ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा. ठीक है, तो 3 तक ट्रेसिंग काफी रहेगी. वेटिंग कितने भैया, कोई नहीं है, 0 ले रहा हूँ. ठीक है, सेमाफोर कस्टमर 0, दैट मीन्स नो कस्टमर इन वेटिंग, कोई कस्टमर वेटिंग नहीं है जब सेमाफोर कस्टमर का वैल्यू 0 है. फाइन, सेमाफोर बारबर, इसका मतलब क्या है भैया, बारबर इक्वल टू 0 मीन्स बारबर इज इन आइडल और स्लीपिंग पोजिशन. ठीक है, चलिए सर देखते हैं इसका मतलब क्या है, लेट्स सी दिस वन. सेमाफोर म्यूटेक्स इक्वल टू 1 इनिशियली. ठीक है, सो लेट्स सी ऑल दिस थिंग्स, 3 सेमाफोर्स एंड दिस 2 वेरिएबल्स, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वन. एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट आई एम टेकिंग हियर 3 केसेस, विद दैट 3 केसेस वी कैन इमेजिन ऑल द सिचुएशन. व्हाट इज द फर्स्ट केस सर का, देखते हैं, लेट्स सी दिस वन. पहला केस ले रहा हूं, केस 1 ले रहा हूं. क्या ले रहा हूं भैया, केस 1, जब मैं क्या कर रहा हूं, बार-बार से शुरू कर रहा हूं, आई एम स्टार्टिंग विद द बार्बर. फाइन, कस्टमर का वैल्यू कितना है भैया, इनिशियली 0 है. फाइन, और म्यूटेक्स का वैल्यू 1 है, और क्या है, चेयर का वैल्यू मैं 3 लिया था. फाइन, वेटिंग का वैल्यू क्या है भैया, 0 है इनिशियली. वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर दिस, आप ये मत बोलना कहां से लाओ, यहां पर ही मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था. ठीक है, सो लेट्स सी दिस वन नेक्स्ट, हाउ इट इज, मैं बार बार से शुरू कर रहा हूँ, तो बार बार क्या कर रहा है भैया, डाउन ऑन कस्टमर, डाउन ऑन कस्टमर का वैल्यू क्या है भैया, 0 है. तो 0 हो तो क्या हो जाएगा, ये बंदा बार बार ब्लॉक हो जाएगा. क्यों, क्योंकि काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू 0 पर डाउन करने पर क्या हो जाती है भैया, -1 हो जाती है, और बार बार यहीं पर ब्लॉक. ठीक है, सो लेट्स सी. और इसी सिचुएशन को, क्योंकि स्लीपिंग बार बार कहा जाता है, लेकिन कहीं पर भी स्लीप वाला फंक्शन तो कोई नजर ही नहीं आ रहा. ठीक है, तो कहां पर है, किस तरह से सो गया, बार बार कहीं पर नजर ही नहीं आ रहा यार स्लीप वाला, तो किस तरह से हो गया. जब भी आप डाउन परफॉर्म डाउन ऑपरेशन पर करके ब्लॉक होते हो, तो आप क्या करते हो, उस ब्लॉक प्रोसेस को आप कहां पर कैच करते हो भैया, क्यू में कैच करते हो, आ रही बात समझ में. और उस ब्लॉक प्रोसेस क्या करता है, वहां पर प्रोसेस स्लिप हो जाता है. ठीक है, और जब भी कोई प्रोसेस अप ऑपरेशन करता है उस वेरिएबल पर, तो उसको क्या करता है, वेकअप करता है. तो यही फंक्शनैलिटी जो इनबिल्ड है सेमाफोर के अंदर, इसको यहाँ पर पिक्चर किया गया है. ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, बार बार डाउन हो रहा है, मतलब ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है का मतलब वो सो गया है. ठीक है, फाइन, लेट्स सी दिस वन. अब इसको कौन जगाएगा, दैट मीन्स इफ समवन इज स्लीप मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम कॉल, समवन शुड वेकअप. सो लेट्स सी हु विल वेकअप. नाउ कस्टमर इज कमिंग, कस्टमर डाउन ऑन म्यूटेक्स, पॉसिबल और नॉट, यस पॉसिबल. अब क्या करेगा भैया, वेटिंग कितना है, यहां पर 0 है, इनिशियली 0 है वेटिंग. ठीक है, फाइन, चेयर कितने भैया, 3 है, इस 0 इज लेसर देन 3 भैया, बोलिए सरकार, यस. तो क्या करेगा, वेटिंग को इंक्रीमेंट करेगा, दैट इज 1, और क्या करेगा, अप ऑन कस्टमर, यहां पर देखिए अप ऑन कस्टमर. तो क्या करेगा ये वैल्यू को, क्या करेगा भैया, कस्टमर को -1 से 0 कर देगा, और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा. अरे बात समझ में, बार बार अनब्लॉक हो जाएगा. चलिए, यानी कि वेकअप कर दिया उसने, वेकअप कर दिया. इसी को कहते हैं, जब बार बार सो रहा है तो कस्टमर वेकअप करेगा, एग्जैक्टली इस पिक्चर को. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं पर भी वेकअप वाला सिस्टम को नजर नहीं आता. ये सारी चीजें सेमाफोर के अंदर वाली है भैया, इसलिए उसको हाईलाइट किया गया. तो इस बात को गौर से सुनना. हाँ, ठीक है, हाँ. तो अब यहाँ पर उसने किया उसको वेकअप. अब जब बार बार वेकअप किया तो क्या हो रहा है देखिए, और उसने क्या किया यहाँ पर, और यहां से अपॉन म्यूटेक्स कर दिया. क्या कर दिया सरकार, अपॉन म्यूटेक्स कर दिया यहाँ पर उसने. चलिए अब देखते हैं बार बार जब वेकअप हुआ तो क्या करेगा, वो डाउन ऑन म्यूटेक्स करेगा. फाइन, अब क्या करेगा भैया, वेटिंग को डिक्रीमेंट करेगा, 0. फाइन, अब क्या करेगा, अप ऑन बार बार, यानी कि बार बार बाइनरी सेमाफोर जो वेरिएबल लिया था उसको क्या करेगा भैया, इनिशियली क्या था वहां पर, बोलिए भाई, बार बार का जो इनिशियल वेरिएबल था क्या था, हमने यहां पर क्या लिया था, यहां पर लिया था, क्या लिया था, 0 लिया था. तो अब क्या हो गया भैया, बोलिए सरकार, क्या हो गया यहां पर, अभी अप हो गया. ठीक है, अप हो गया है,
अप होने के बाद क्या कर रहा है, ये अप ऑन म्यूटेक्स कर रहा है वंस अगेन, ओके, एंड इट इज परफॉर्मिंग कटिंग हेयर। तो यार ये बोल रहा है कि भैया कस्टमर को तो अपना हेयर कट करवा ले, तो ठीक है। तो अभी कस्टमर क्या करता है, इट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग क्या सरकार क्या कर रहा है, ये अप ऑन म्यूटेक्स कर रहा है फाइन। अब क्या कर रहा है, ये डाउन ऑन बार-बार कर रहा है, क्योंकि बार-बार का वैल्यू कितना था उसने अप किया था, तो जीरो से वन किया था यहाँ पर इसने, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है भैया, वन से जीरो कर रहा है, फिर ये क्या कर रहा है, इट इज गेटिंग हेयर कट। आ रही बात समझ में, तो इस तरह से कस्टमर और बार-बार में रिलेशन होता है। चलिए ये तो एक केस समझ में आ गया जहां पर बार-बार शुरू में आता है, यानी कि जो शॉप खाली रहती है और वो डाउन ऑन कस्टमर करता है, क्योंकि कस्टमर तो कोई होगा नहीं, तो वहीं पर वहां ब्लॉक हो जाता है उस ब्लॉकिंग सिस्टम। क्योंकि जब आप बाइनरी सेमाफोर में ब्लॉक करते हो, तो क्या करते हो भैया, प्रोसेस जाकर क्यू में सो जाता है, क्योंकि स्लिप सिस्टम कॉल करके आप उसको ब्लॉक कर देते हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली उस सिचुएशन को हम कहेंगे बार-बार इज स्लीपिंग, फाइन। तो उसको उठाएगा कौन, कस्टमर जब भी आता है अपॉन कस्टमर करके क्या करता है भैया, उसको उठा देता है कि भैया तो उठ जा, अब मैं आ गया हूं और मेरी कटिंग बना, ये सारा फंडा यही है, ठीक है। एक केस हो गया, लेट्स सी केस टू। केस टू में क्या देखेंगे भैया हम, केस टू में हम ये देखेंगे कि यहां तक हमने सिचुएशन जो देखी वो बड़ी अच्छी थी, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी थी। अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे सरकार बोलिए, अब हम देखेंगे जब ये बंदा हेयर कट कर रहा है तो और भी कस्टमर आएंगे यहां पर, तो और कस्टमर आएंगे तो क्या होगा। तो यहां पर इनिशियली मैं लेता हूं व्हेन नो कस्टमर इनिशियली, और यार मैं इसको रब करता हूं थोड़ा सा, बिकॉज आई नीड सम स्पेस। चलिए तो मैं यहां पर लेता हूं व्हेन नो कस्टमर, तो यानी बार बार से मैंने शुरू किया, सेकंड कस्टमर आया, सारे खेल मैंने समझा दिया। लेट्स सी सेकंड केस, व्हेन बार-बार इज कटिंग सम हेयर, लेट्स सी सम अदर कस्टमर हाउ दे आर कमिंग एंड हाउ दे आर वेटिंग। व्हेन बार-बार इज कटिंग हेयर, सो लेट्स सी जब ये हेयर कट कर रहा है तो क्या होगा भैया, क्या होगा, तो दूसरे कस्टमर भी आएंगे तो क्या करेंगे, देखते हैं सारी चीजें। कस्टमर क्या वो भी मतलब यहां पर मुद्दे की बात ये जाननी है कि क्या वो भी आकर वही चेयर पर बैठ जाएंगे जो जिस पर बार बार कटिंग कर रहा है, या वो ब्लॉक हो जाएंगे। लेट्स सी दिस वन, डाउन ऑन म्यूटेक्स क्या होगा भैया, म्यूटेक्स का वैल्यू राइट नाउ कितना था यहां पर, वन था, तो ये हो जाएगा जीरो, फाइन। बिकॉज राइट नाउ इट इज बार अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस बार बार इज कटिंग द हेयर, जब वो कट कर रहा है तो देखते हैं जब दूसरे कस्टमर आएंगे तो क्या होगा। डाउन ऑन म्यूटेक्स क्या होगा भैया, वन से जीरो हो गया। वेटिंग का वैल्यू कितना है भैया, बोलिए सरकार, वेटिंग का वैल्यू क्योंकि यहाँ पर वन था तो उसने जीरो किया था, लास्ट अपडेशन वॉज जीरो, सो वेटिंग का वैल्यू हमें क्या था यहाँ पर, जीरो था। तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो से लेसर देन थ्री, यस, तो क्या हो जाएगा, वेटिंग को इंक्रीमेंट करो भैया, वेटिंग को इंक्रीमेंट करो, जीरो को वन करो, ठीक है, फाइन। अभी अप ऑन कस्टमर, अप ऑन कस्टमर जब आप करते हो तो क्या होता है भैया, कस्टमर का वैल्यू कितना है, कस्टमर सेमाफोर का वैल्यू यहाँ पर काउंटिंग सेमाफोर का वैल्यू जीरो है, तो आप जब जीरो को अप करते हो काउंटिंग सेमाफोर में तो क्या होता है, ये वन होता है, जीरो से वन हो जाएगा, फाइन। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, अप ऑन म्यूटेक्स, चलिए ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, अगर ये डाउन ऑन बार बार कर रहे हैं, बार बार वेरिएबल पर कर रहे हैं भैया, ये बार बार फंक्शन अलग है, ये बार बार वेरिएबल अलग है, दोनों में मिस कॉन्सेप्ट मत करना। चलो मैं इसको लेता हूं बार बार एक्स, ठीक है, मैं इसको बार बार एक्स लेता हूं, ताकि आपको ये फंक्शन है, ये बाइनरी वेरिएबल है, इन दोनों में फर्क है, ठीक है, हाँ ठीक है। जैसा ये कस्टमर एक फंक्शन है यहाँ पर भी, और ये कस्टमर वाई, इस चीज को अच्छे से याद रखना, क्योंकि कस्टमर वेरिएबल और कस्टमर फंक्शन में फर्क है। ये कस्टमर वाई फंक्शन है, बार बार एक्स है, और ये वेरिएबल्स मैंने अलग अलग ले लिए, काउंटिंग सेमाफोर लिया, बाइनरी सेमाफोर लिया। लेट्स सी दिस वन, जब भी ये डाउन ऑन बार बार करते हैं तो क्या होगा, बार बार का वैल्यू कितना है अभी बताइए। राइट नाउ बार बार का वैल्यू जब हमने लास्ट अपडेशन में देखा तो क्या था भैया, जीरो था, क्योंकि यहाँ पर डाउन ऑन बार बार करके पहला कस्टमर हेयर कट करवा रहा था। तो बार बार का वैल्यू कितना है भैया, यहाँ पर बार बार का वैल्यू जीरो है। अगर कोई बंदा आएगा भी तो क्या हो जाएगा, यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा। आ रही बात समझ, चलिए फाइन। तो यहाँ वेटिंग का वैल्यू कितना होगा, अगर और एक कस्टमर भी आता है तो क्या होगा, लेट्स सी दिस वन,
डाउन ऑन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को क्या करेगा भैया, डाउन करेगा, फिर क्या करेगा, वेटिंग वैल्यू, वेटिंग वैल्यू राइट नाउ कितना भैया, वन है, ठीक है, वन है, इस वन इज लेसर देन थ्री, यस, तो क्या करेगा भैया, क्या करेगा बोलिए सरकार, वेटिंग को इंक्रीमेंट करेगा टू, अभी क्या होगा अपॉन कस्टमर, कस्टमर को क्या करो, इसको इंक्रीमेंट कर दो, दैट्स व्हाई इट इज टू, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग दैट कस्टमर, कस्टमर हियर कस्टमर इज अ काउंटिंग सेमाफोर, व्हाई, बिकॉज इफ आई एम सेइंग बाइनरी सेमाफोर मींस इट विल नॉट इंक्रीमेंट फॉर वन फ्रॉम वन से दो कभी होगा ही नहीं, ठीक है, हाँ, तो इसलिए यहाँ पर अभी क्या करेगा अपॉन म्यूटेक्स करेगा, क्यों अपॉन म्यूटेक्स कर रहा है, क्योंकि अगर और कोई कस्टमर वाई आना चाहता है तो उसको अंदर आने देना चाहिए ना सर, अंदर आने देने के लिए उसको क्या करना चाहिए, अपॉन म्यूटेक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरा कस्टमर यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा, चलिए बढ़िया, तो अपॉन म्यूटेक्स किया उसने, फाइन, और दूसरा कस्टमर भी क्या होगा भैया यहाँ पर ब्लॉक होगा, ठीक है, ये दो कस्टमर आए जब बार बार अपना क्या काम कर रहा था, ठीक है, चलिए अभी देखते हैं ये दो केस, यानी कि इस तरह से क्या होगा, जब बार बार कटिंग भी कर रहा है तो कुछ लोग आ रहे हैं, अभी तीसरा केस देखते हैं, जब कस्टमर चेयर के उतने हो जाएंगे, यानी कि कस्टमर और चेयर वेटिंग चेयर सारे के सारे फुल हो जाएंगे, जब चौथा कस्टमर, जैसे कि यहाँ पर मैं तीन चेयर ले रहा हूं तो तीन कस्टमर वेटिंग करेंगे, अगर चौथा कस्टमर आएगा तो क्या होगा, हम देखते हैं उस सारी उस केस को, देखते हैं भैया इसको, ठीक है, सो लेट्स सी, इसी को ट्रेस करेंगे कंटिन्यू, व्हेन चेयर्स बिकम फुल क्या होगा, देखते हैं, वेटिंग चेयर फुल हो गए तो क्या होगा, अब इस तरह से देखो यहां पर वेटिंग, अब तीसरा वाला आता है तो ये भी क्या करेगा भैया, उसको डाउन करेगा, मैं इस केस को यहीं पर लिखता हूं, आई विल राइट हियर बेटर, व्हाई, बिकॉज इट इज गोइंग डाउन, तीसरे केस में मैं क्या ले रहा हूं, इसको ही कंटिन्यू कर रहा हूं स्ट्रेसिंग को, सारी चीजें इसमें ही पड़ी हुई है, ठीक है, व्हेन All waiting chairs, all waiting chair full. तो क्या होगा देखते हैं. Right now क्या भैया यहाँ पर mutex का value? I am rubbing this. Let's see. Mutex का value कितना है यहाँ पर? One है. भैया उसी को ट्रेस करना है. तीन एनालिसिस के ज्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं. तो इसलिए मैं उसको कंटिन्यू ट्रेसिंग कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले हाँ जो मैं समझा रहा हूँ according to this code it is exactly matching. Okay fine. Let's see this one. वेटिंग इक्वल टू टू, फाइन, म्यूट कस्टमर कितना है भैया यहाँ पर, कस्टमर इक्वल टू, भैया अच्छा दिखा तो लाइक जरूर करना, टू, बार कितना है भैया यहाँ पर, इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी कि बार कहीं ना कहीं क्या है बिजी है, इसलिए मैं कहता हूँ जब जीरो का मतलब क्या है कि हमेशा बार आइडियल नहीं है, हमेशा इसका मतलब ये है कि बार स्लीपिंग मोड में भी हो सकता है या फिर बार बिजी भी रह सकता है, ठीक है, लेकिन वन का मतलब बार खाली है भैया आपके लिए और एक्टिव है, सोए हुआ नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर बार का वैल्यू जीरो है क्योंकि पहले कस्टमर ने उसको डाउन और बार करके अपना हेयर कट करवा रहा है, तो क्या बार सोए हुआ है, नहीं, क्या बार खाली है, नहीं, बिजी है, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर जीरो का मतलब दो होता है, याद रखना इस बात को, चलिए, क्योंकि ये बुक्स में इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करूँ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि केस स्टडी आपके सामने है, ठीक है, मैं कुछ अलग नहीं समझा रहा, जो कोड है उसी को समझा रहा हूँ, चलिए, और कोई आप इस बात को इनकार भी नहीं कर सकते, लेट्स सी दिस वन, यहाँ पर क्या है, अब ये दो कस्टमर वेटिंग है, अब तीसरा कस्टमर आएगा तो क्या करेगा देखेंगे, वेटिंग कितना भैया दो है यहाँ पर, ठीक है, इस टू इज लेसर देन टू थ्री, यस, तो वेटिंग क्या इंक्रीमेंट करना है, तो ये हो जाएगा थ्री, तो क्या हो जाएगा भैया अपॉन कस्टमर, यानी कस्टमर को आप तीन कर दो, ठीक है, फाइन, अपॉन म्यूटेक्स, तो या क्या किया आपने, अपॉन आपने तीसरा कस्टमर पहले इसने जीरो वन को जीरो किया था, अभी ये वन किया, ठीक है, फाइन, और फिर क्या किया आपने, डाउन और बार करके यहाँ पर लटक गए, अटक गए सर का, ठीक है, क्योंकि अभी बार बिजी है तो बार का वैल्यू राइट नो कितना रहेगा भैया, जीरो रहेगा, तो हमेशा बार जीरो का मतलब सरकार दो केसेस आते हैं, क्योंकि जब बार पहली बार आ रहा था तो इनिशियली हमने बार को जीरो ही सेट किया था, तो यानी कि क्या किया था, जब जीरो सेट किया था तो यहाँ पर भी बार का वैल्यू क्या था सरकार, वो स्लीपिंग मोड में था, या जैसा उसने डाउन किया वो आइडियल हो गया, या तो वो आइडियल है, अब यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, जब ये ब्लॉक हो जाएगा तब भी बार की वैल्यू क्या थी, जीरो ही थी, ठीक है, और जब ये बिजी है तब भी जीरो ही है, लेकिन वन का मतलब क्या है, वन का मतलब ये है कि बार रेडी टू सर्व यू, दैट इज द मीनिंग ऑफ वन, इसको याद रखना हमेशा, ठीक है, चलिए और क्या है यहां पर, हाँ,
इंक्रीमेंट वेटिंग अपॉन कस्टमर क्या हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन म्यूटेक्स, फाइन, यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा कस्टमर आता है तो क्या करता है, फोर्थ कस्टमर, फोर्थ मतलब मैं इन टर्म्स ऑफ वेटिंग क्यूज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं उस बंदे को अकाउंट में नहीं ले रहा जो बंदा कटिंग बना रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेटिंग क्यू में बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास 3 चेयर है, तो फोर्थ कस्टमर आया, अप डाउन ऑन म्यूटेक्स, फाइन, वेटिंग कितना भैया 3 है, इस 3 इज लेसर देन 3, नो, तो क्या करेगा एल्स पार्ट में जाएगा, अपॉन म्यूटेक्स कर दिया, यानी कि एग्जैक्टली इस सिनेरियो को जब फोर्थ कस्टमर आता है जहां पर सारी चेयर फुल होती है तो वो क्या करता है भैया बारबर शॉप को लीव करके जाता है। तो यहां पर हमने 3 केसेस देखे, जहां पर पहले केस में देखा था मैंने बारबर से शुरू किया था, डाउन ऑन कस्टमर किया था, वो वहां पर ब्लॉक हो गया था। एग्जैक्टली जब ये बारबर यहां पर ब्लॉक होता है तो हम कहते हैं कि बारबर इज इन स्लीपिंग मोड, ठीक है, फाइन, क्योंकि आप ब्लॉक करते हो तो क्या स्लीपिंग स्लीप सिस्टम कॉल करके यूज करके ही करते हो, ठीक है, फाइन। जब ये ब्लॉक था तो जब एक पहला कस्टमर आया तो उसने क्या किया, यहाँ पर अपॉन कस्टमर करके उसको वेकअप किया यहाँ पर कि भैया तू हो जाए, क्योंकि आप जब भी सेमाफोर में अप करते हो तो क्या करते हो एक ब्लॉक क्यू से जो भी प्रोसेस ब्लॉक है उसको वेकअप करते हो। एम आई करेक्ट और नॉट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस थिंग्स, ओके, फंक्शनैलिटी ऑफ सेमाफोर, ठीक है। सो लेट्स सी इन दिस वे दिस आर द 3 केस विच आर मैचिंग विद द बारबर एंड कस्टमर, ठीक है। तो स्लीपिंग बारबर प्रॉब्लम में यहाँ पर 3 केसेस है, इसको आप एग्जाम में आराम से लिखना भैया, काफी ट्रेसिंग हो गई, सारे कोड को हमने अच्छे से ट्रेस किया है, आई बात समझ में। चलिए तो हमने 3 केसेस देखे, पहला जब आया था तो पहला जब बारबर शॉप खोलता है तो कोई कस्टमर नहीं रहता, वहां पर डाउन ऑन कस्टमर करके वो ब्लॉक हो जाता है, उस टाइम पर अगर कोई कस्टमर आएगा तो उसको वेकअप करेगा, फिर सारी फंक्शनैलिटी शुरू हो जाएगी, यानी कि पहला कस्टमर सर्व करेगा। जब पहला कस्टमर कटिंग बना रहा है तो दूसरे जब कस्टमर आएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, उनको वेटिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये दूसरा केस उसी का है जहां पर पहला कस्टमर को बारबर सर्व करता है तो उस टाइम पे और भी कस्टमर आते हैं तो वो क्या कर रहे थे भैया, वेट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से वेटिंग इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब तीसरा केस ये है, क्या होगा जब सारे वेटिंग चेयर्स फुल हो जाएंगे, तो मैंने क्या किया भैया सारे चेयर्स को फुल कर दिया, जब चौथा कस्टमर आया तो उसने क्या किया एल्स पार्ट एग्जीक्यूट किया अपॉन म्यूटेक्स, यानी कि उसने देखा कि भैया बारबर शॉप में सारी के सारी वेटिंग चेयर्स फुल है तो वो एग्जिट मार्केट चला गया, ठीक है, यानी कि वो वापस चला गया, दिस वन, वो आया था देखा कि यहाँ के सारे चेयर्स फुल है तो बस वो एग्जिट होकर चला गया, ठीक है। इसी का मतलब बार बार स्लीपिंग बार बार प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए बढ़िया, काफी कुछ डिस्कस किया हमने स्लीपिंग बार बार प्रॉब्लम। लेट्स सी फाइल सिस्टम हाउ इट इज एंड व्हाट इट इज, ओके। फाइल सिस्टम क्या है भैया, फाइल सिस्टम क्रिएट मैनेज डायरेक्टरी विच इन टर्न कंटेन्स फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या करता है भैया, डायरेक्टरी क्रिएट करता है और मैनेज करता है फाइल सिस्टम, चलिए ठीक है। अब ये देखना है कि डायरेक्टरी क्या है, फाइल क्या है, ये किस तरह से चीज होती है। कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फाइल। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल बना रहा हूँ, उस फाइल का नाम है एक फाइल, उसका मैं अंडर 19 क्रिकेटर वाली फाइल बना रहा हूँ। इस फाइल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर 19 जो प्लेयर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को फिल कर रहा हूँ, ठीक है, फाइन। ये हो गई मेरी एक फाइल, ठीक है, फाइन। कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन लॉजिकली रिलेटेड है या नहीं भैया, क्योंकि मैं उन्हीं क्रिकेटर के नाम रखूंगा यहाँ पर जो लॉजिकली एक दूसरे से रिलेटेड है, दैट मीन्स ऑल आर अंडर 19। मैं यहाँ पर लाकर सचिन तेंदुलकर की इन्फॉर्मेशन नहीं रखूंगा, यहाँ पर लाकर मैं रिटायर क्रिकेटर की इन्फॉर्मेशन नहीं रखूंगा, मैं यहाँ पर लाकर अंडर 14 वाली इन्फॉर्मेशन नहीं रखूंगा, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड विद दिस फाइल information, okay, so that's why it is called collection of logically related information is called file। चलिए ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ और भी files बनाई हैं, जैसे कि यहाँ पर under 19, under 16, under 22, इस तरह से मैंने 3 files बनाई हैं, file 1, file 2, file 3, ठीक है। अभी देखते हैं next क्या है, the collection of logically related file is called directory, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, collection of क्या logically related file, तो यानी कि ये सारे के सारे फाइल को मैं क्या करता हूं, एक डायरेक्टरी में रखता हूं,
और इस डायरेक्टरी का नाम देता हूं मैं क्रिकेट। क्रिकेट तो क्या होगा भैया, इस क्रिकेट डायरेक्टरी के अंदर कौन सी फाइल है भैया, कलेक्शन ऑफ अंडर 19, अंडर 16, अंडर 22, दैट मींस व्हाट सर, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फाइल्स आई एम कीपिंग अंडर वन डायरेक्टरी, यानी कि फाइल्स को क्या भैया, फाइल्स को मैं किसके अंदर रख रहा हूँ, डायरेक्टरी के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो इस बात को हमेशा याद रखना, एंड कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरीज इज कॉल्ड फाइल सिस्टम, यानी कि सरकार यहाँ पर इस तरह से मैंने कुछ और भी डायरेक्टरीज बनाई, अलग अलग डायरेक्टरीज बनाकर, और ये सारे के सारे मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल सिस्टम को इसका फाइल सिस्टम को इसका कंट्रोल दे रहा हूँ, तो उसको हम फाइल सिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड, यहाँ पर क्या हम अंडर 19 का मतलब क्या है, अंडर 19 की इन्फॉर्मेशन रहेगी, कोई और क्रिकेटर की इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी जो अंडर 14 हो या अंडर 22 हो, तो इस तरह से उसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो लेट्स सी दिस वन, एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल, एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल क्या होता है भैया, देखिए फाइल नेम होता है, हर फाइल का नाम आप टाइप करते हो जैसे कि, और दूसरी बात फाइल और डायरेक्टरी में फर्क भी क्या होता है, देखिए अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, डायरेक्टरी को फोल्डर भी बोलोगे, ठीक है, फोल्डर। अब आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्या आप एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स रखते हो, बिल्कुल रखते हो, आई बात समझ में, यानी कि ये सारी के सारी फाइल एक क्रिकेट फोल्डर के नाम से, आप क्रिकेट के नाम से फोल्डर क्रिएट करोगे और उसके अंदर ये सारी के सारी फाइल्स रख दोगे, ठीक है, फाइन। क्या आप एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर रखते हो, बिल्कुल रखते हो, उस कॉन्सेप्ट को कहेंगे कि हम डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी है, ठीक है। हाँ, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मैंने क्या किया, क्रिकेट और हॉकी और वॉलीबॉल ये सारे डायरेक्टरीज बनाई मैंने, और इस सारे डायरेक्टरीज को मैं क्या कर दिया, यहाँ पर स्पोर्ट्स वाले एक सुपर डायरेक्टरी में रख दिया, यानी कि ये क्या है, क्रिकेट हॉकी वॉलीबॉल ये क्या है, सब डायरेक्टरी है, किसके भैया, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की सब डायरेक्टरीज है, आई बात समझ में। हाँ, तो इसका इसको विंडोज में हम इस तरह से कहेंगे कि डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है भैया, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। हाँ, चलिए, टाइप ऑफ फाइल, किस तरह का फाइल है भाई, म्यूजिक फाइल है या वीडियो फाइल है या फिर टेक्स्ट फाइल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मेंशन करना पड़ता है, किस तरह की फाइल है आपकी, ठीक है। लोकेशन कहाँ पर है आपकी फाइल का, किस लोकेशन पर मौजूद है, ठीक है। साइज क्या है आपकी फाइल का, कितना साइज है, 10 MB का है, 20 MB का है या 1 GB का है, ये सारी मेंशन यहाँ पर करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन क्या है भैया, कभी कुछ होता है कि कुछ फाइल पर हम सिर्फ रीडिंग परमिशन देते हैं, कभी कुछ फाइल पर राइटिंग और रीडिंग दोनों परमिशन देते हैं, तो इस तरह के या इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अभी कभी कुछ फाइल को आपने देखा भी होगा, ये तो रीड और राइट वाली बात हो गई, कुछ फाइल को जब आप एक्सेस करते हो तो आपको एक्सेस का भी परमिशन नहीं होता, उससे पहले वो क्या पूछता है भैया, आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछता है, तो इस तरह से हम प्रोटेक्शन देते हैं किसी भी फाइल को एक्सेस करने से पहले पहले, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर वही बात हो गई पासवर्ड वाली, ठीक है, फाइन। टाइम एंड डेट, कब आपने फाइल को क्रिएट किया था, क्या डेट थी, क्या टाइम था, ये सारी इन्फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस, और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन यहाँ पर इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फाइल, एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फाइल विल बी स्टोर्ड इन द फाइल कंट्रोल ब्लॉक, जैसे कि सेम इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमने प्रोसेस में PCB में इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, यहाँ पर भी फाइल में क्या करते हैं भैया, फाइल कंट्रोल ब्लॉक में ये सारे एट्रीब्यूट्स को स्टोर करते हैं, फाइन। लेट्स सी दिस वन, टाइप्स ऑफ फाइल, कितना किस तरह के टाइप्स ऑफ होते हैं भैया, डॉट डॉक होते हैं, डॉट ऑब्जेक्ट होता है, जब आप कंपाइल करते हो तो डॉट ऑब्जेक्ट, कोई आपका डॉक्यूमेंट फाइल है तो डॉट ऑब्जेक्ट डॉट DOC रहता है, ठीक है। exe फाइल करते हैं जब आपका exe फाइल जब रेडी टू रन होता है, और जावा में आप देखते हो डॉट डॉट क्लास एक्सटेंशन देते हो आप, ठीक है, और JPG फाइल और डॉट सी फाइल भी होता है, सी प्रोग्रामिंग में हम करते हैं, डॉट DL होता है, MP3 होता है अगर कोई म्यूजिक फाइल हो तो, और भी MP4 भी होता है एक्सटेंशन, और भी सारी होती हैं। कभी कभी ये क्या करता है, एक्सटेंशन ऑपरेटिंग सिस्टम को गाइड करता है कि भैया उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन भी आप ओपन करो, जैसे कि मान लो कि मैं कोई वीडियो फाइल खोलता हूँ, कोई मैं वीडियो जैसे कि MP4 आई थी, ठीक है, MP4 वीडियो फाइल खोलता हूँ, तो मेरा VLC प्लेयर ऑटोमेटिकली क्या होता है भैया, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जबकि मैं उसको ऑन करता ही नहीं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर इसको देखने से गाइड मिलता है कि भैया इसको रन करने के लिए मुझे ये एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा, इट इज गाइडिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम और नॉट भाई, यस, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के टाइप्स ऑफ फाइल्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन इट इज मोर देन सफिशिएंट। ऑपरेशंस ऑन फाइल, क्या तरह के ऑपरेशंस होते हैं भैया, फाइल को क्रिएट करते हो आप, ओपन करते हो, जैसे आप क्लिक करते हो तो फाइल ओपन हो जाता है, सेव करते हो, कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, बहुत आसान, क्योंकि डेली यूसेज के ऑपरेशन हम जो हम करते हैं, ठीक है, डिलीट करते हो, रीनेम करते हो, सेव एज ऑपरेशन बताता है, सारे के सारे ऑपरेशन आप फाइल पे करते हो, ठीक है। तो लेट्स सी,
क्योंकि ऑल दिस थिंग्स आर जनरल यूज, जनरली हम देखते हैं डेली लाइफ में, तो इसलिए नो नीड टू वेस्ट ओवर टाइम डिस्कसिंग दैट ओपन का मतलब ये है, क्लोज का मतलब, बिकॉज एवरीवन नो बाय डिफॉल्ट दैट इज ओके. सो लेट्स सी दिस वन. डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉर बेटर क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइल्स विल बी स्टोर्ड ऑन द डायरेक्टरी. ठीक है, फाइल्स को आप क्या, अगर बेहतर तरीके से क्लासीफाई करना चाहते हो तो उसको आप क्या करोगे भैया, डायरेक्टरी में स्टोर कर दोगे. कितने टाइप की डायरेक्टरी है भैया यहाँ पर? सिंगल लेवल डायरेक्टरी है, टू लेवल डायरेक्टरी है, ट्री लेवल डायरेक्टरी है, एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी है. लेट्स सी ईच वन. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम सिंगल लेवल डायरेक्टरी का मतलब क्या है. सिंगल लेवल डायरेक्टरी में आप क्या करते हो, आपकी जो फाइल्स होती हैं सभी फाइल्स को आप स्टोर करते हो. ठीक है, फाइन. जैसे कि मान लो कि यहां पर मैंने फाइल एक्स वाई जेड एम एन इस तरह के नाम दिए मैंने एक एक फाइल को. ठीक है, दिस इज फाइल. ठीक है, अब देखिए यहां पर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है. एडवांटेज क्या है कि अगर यहाँ पर इस डायरेक्टरी में थोड़े से फाइल्स है तो क्या हो जाएगा भैया, आपका सर्चिंग टाइम बहुत आसानी से आप इसको कंप्लीट कर दोगे. लेकिन अगर फाइल की तादाद बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, आपका सर्चिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर इस डायरेक्टरी में सीक्वेंशियली सर्च करते हो कि भैया जो फाइल आपको चाहिए वो कहाँ पर है. अगर शुरू में मिलता है तो कोई बात नहीं, अगर वर्स्ट केस में लास्ट में मिलता है तो उसका सीक्वेंशियल, क्योंकि सीक्वेंशियल एक्सेस है तो नो डाउट आपको बहुत ज्यादा बार सर्चिंग टाइम ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि अगर इनिशियली फाइल्स है तो इट इज ओके. लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है कि इनिशियली रहे. ठीक है, हाँ, इसको भी अच्छे से याद रखना. ओके, चलिए. और दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या है, दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है कि आप सेम नेम की फाइल इस डायरेक्टरी में नहीं रख सकते, अदरवाइज नेम कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा. जैसे कि अगर मैं फाइल एक्स यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं फाइल एक्स यहाँ पर यूज नहीं कर सकता. आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पर ये डिसएडवांटेज भी हो जाएगा. और तीसरा डिसएडवांटेज क्या है भैया, प्रोटेक्शन भी नहीं है. अगर कोई भी यूजर आके सारे के सारे फाइल्स खोल सकता है तो प्रोटेक्शन भी नहीं है. ठीक है, तो या ये सारी चीजें सिंगल लेवल डायरेक्टरी में थी यहाँ पर. और ये कहाँ पर यूज होता था भैया, डॉस सिस्टम में एक्चुअली यूज होता था. जैसे कि हम जब भी लैब में जाते थे तो कोई एक डायरेक्टरी होती थी, उस डायरेक्टरी को हर कोई खोल सकता था. जब हर कोई खोल सकता था तो क्या प्रोटेक्शन थी वहां पर? बिल्कुल भी नहीं थी. ठीक है, हाँ, तो इस ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं. और यहाँ पर क्या आप क्लासिफाई कर सकते हो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के फाइल्स को? बिल्कुल भी नहीं कर सकते. क्लासिफिकेशन प्रोटेक्शन यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो देखते हैं इन सारे डिसएडवांटेज की बिना पर हमने दूसरे फाइल सिस्टम को लिया, दैट इज टू लेवल डायरेक्टरी. लेट्स सी दिस वन. अब इसके उसको आगे बढ़ने से पहले सिंगल लेवल डायरेक्टरी के बारे में जो मैंने बोला था उसको मैंने यहाँ पर लिखा और कुछ नहीं है. द इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इजी, क्योंकि आपको कहीं मल्टी हायरार्किकल वे जाना नहीं है. सिंपल सा सारी चीजें कहां पर रखना है भैया, एक ही डायरेक्टरी में रखना है. ठीक है, सर्चिंग टाइम इज लेस इफ यू हैव लेस नंबर ऑफ फाइल्स. बिल्कुल, क्योंकि सीक्वेंशियल एक्सेस कर रहा है और थोड़े से फाइल है तो कितना टाइम लगेगा भैया, बहुत कम टाइम में आप सारे फाइल्स को एक्सेस कर लोगे. तीसरा क्या है, टू फाइल्स के नॉट हैव द सेम नेम, देयरफॉर नो नो नेम कंफ्लिक्ट. यानी कि भैया क्या हो जाएगा, दो फाइल के आप क्या करोगे, दो फाइल्स के एक ही नाम नहीं रख सकते, इसलिए नेम कंफ्लिक्ट कभी आएगा ही नहीं. ठीक है, हाँ, लेट्स सी दिस वन. एन एंट्रीज एन फाइल्स नॉट मोर देन एन फाइल्स. अगर आपकी डायरेक्टरी मान लो कि एन एंट्रीज को सपोर्ट करती है तो आप एन से ज्यादा फाइल्स को यहां पर नहीं रख सकते. तो ये कहीं ना कहीं क्या है भैया, लिमिटेशन वाली बात हो गई. ठीक है, फाइन. जैसे कि मान लो कि आपकी डायरेक्टरी में 10 फाइल होल्ड करने की कैपेसिटी है तो आप 10 फाइल से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते यहाँ पर. ठीक है, चलिए. सर्चिंग टाइम इज सीक्वेंशियल, सो एज नंबर ऑफ एंट्रीज इंक्रीजेस सर्चिंग टाइम इज आल्सो इंक्रीजेस. जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, जितने आपके फाइल्स बढ़ते जाएंगे क्योंकि सीक्वेंशियली आप एक्सेस कर रहे हो, एक के बाद एक कर रहे हो, तो आपका सर्चिंग टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा. आ रही बात समझ में? चलिए, अभी यहाँ पर देखिए, DOS provides 11 character, difficult to generate the different name combination. ये क्या मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर सिंगल लेवल डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट हम DOS में यूज करते हैं. DOS क्या करता था भैया, 11 characters ही प्रोवाइड करता था, जिसकी वजह से क्या आप बहुत ज्यादा एक फाइल के नाम नहीं दे सकते थे, क्योंकि आपको 11 character के permutation और combination ही लेने पड़ते थे. ठीक है, तो ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज था यहाँ पर सिंगल लेवल डायरेक्टरी में. लेट्स सी सम अदर थिंग. टू लेवल डायरेक्टरी क्या है? टू लेवल डायरेक्टरी में हम क्या करते हैं,
चलिए भाई, चलिए हो गए। टू लेवल डायरेक्टरी में क्या करते हो आप, पहले उसमें क्या हो रहा था भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर फाइल्स नहीं हो रहा था, एक टाइप के यूजर का क्लासिफिकेशन वहां पर नहीं हो रहा था, सारे के सारे यूजर क्या एक ही डायरेक्टरी में आ रहे थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या भैया प्रोटेक्शन भी वहां पर नहीं के बराबर थी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लो ये यूजर वन है, यूजर टू है, यूजर थ्री है, यूजर फोर है, यूजर फाइव है, ठीक है, फाइन। जब भी कोई, जब आप टू लेवल डायरेक्टरी यूज करते हो तो ये पहले क्या बोलता है कि भैया आप इसको एक्सेस करने के लिए आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड इंटर करने के लिए बोलता है। जैसा यूजर नेम एंड पासवर्ड इंटर करता है तो वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगा, जैसे कि मान लो कि यहाँ का यूजर था तो यहाँ जाएगा, यहाँ का यूजर था तो यहाँ जाएगा, कहीं का यूजर वो वहीं पर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जब ये स्पेसिफिक डोमेन में जाता है तो ये दूसरे यूजर्स के डायरेक्टरी और फाइल्स को एक्सेस कभी नहीं कर पाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा भैया, प्रोटेक्शन मिल जाएगा, चलिए ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, जैसा उसने यूजर नेम पासवर्ड इंटर किया, उसको आपने एक स्पेसिफिक लोकेशन पे भेज दिया, ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड फाइल है सिर्फ वही वो उसको एक्सेस करेगा, चलिए बढ़िया। यहाँ पर होगा क्या, दूसरी चीज, एक चीज तो अच्छी ये हो गई कि प्रोटेक्शन मिल गया आपको, जो कि वहां पर नहीं था, क्योंकि सारे के सारे फाइल खुली पड़ी थी डायरेक्टरी में, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक यूजर को जाना पड़ेगा, एक एडवांटेज हो गया। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हो, ठीक है भैया, क्योंकि इसको टू लेवल क्यों कहा जाता है, बिकॉज दिस इज लेवल वन एंड दिस इज लेवल टू। अगर आप लेवल वन तक आ रहे, लेवल वन में देख रहे हो तो प्रोटेक्शन की वाली बात बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आप लेवल टू में आ रहे हो तो क्या हो रहा है, सरकार बोलिए, इट इज एक्टिंग लाइक सिमिलर टू द सिंगल लेवल डायरेक्टरी और नॉट, यस, ठीक है, इट इज एक्टिंग लाइक हियर इट इज एक्टिंग लाइक सिमिलर टू द सिंगल लेवल डायरेक्टरी, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप वही बात हो जाएगी कि क्या हो जाएगी कि इस डायरेक्टरी के अंदर आप क्या करोगे, नेम कॉन्फ्लिक्ट वाली बात, यानी कि अगर आप एक फाइल का नाम एक्स है तो दूसरी फाइल का नाम एक्स नहीं रख सकते, डिस्टिंक्ट नेम रखना पड़ेगा, आई बात समझ में, हाँ। लेकिन इसका एडवांटेज क्या देखा हमने, एक तो देखा प्रोटेक्शन, और दूसरा देखते हैं, अगर मेरा फाइल एक्स का नाम का यहाँ पर है तो दूसरे यूजर भी उस फाइल का नेम को यूज कर सकता है, दैट इज एक्स, क्योंकि इसका डोमेन अलग है, इसका डोमेन अलग है। तो आप क्या कर सकते हो, एक ही फाइल का नाम अलग अलग यूजर के हिस्से में रख सकते हो, लेकिन एक ही फाइल का नाम दो बार आप एक यूजर के अंडर नहीं रख सकते, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सिंगल लेवल डायरेक्टरी का जो हमने डिसएडवांटेज कुछ देखे थे, जो दैट इज नेम कॉन्फ्लिक्ट, वो यहाँ पर नजर आ रहा है या नहीं भैया, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, चलिए बढ़िया। तो इस बात को याद रखना टू लेवल डायरेक्टरी में, हाँ। तो एडवांटेज क्या है भैया, प्रोटेक्शन है, और दूसरा क्या है, सेम नेम की फाइल अलग अलग यूजर में रखोगे, सेम यूजर में नहीं रख सकते। तो देखते हैं कुछ इसके ऊपर ही बातें। मास्टर फाइल डायरेक्टरी, फर्स्ट रिकॉग्नाइज द यूजर, एग्जांपल क्या भैया, यूजर नेम इंटर्स द लॉगिन डिटेल, फाइन। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर क्या, यूजर नेम को आप क्या करेगा भैया, मास्टर डायरेक्टरी क्या बोलती है कि भैया तो अपना यूजर नेम पासवर्ड इंटर कर, तो उसको स्पेसिफिक डोमेन में ही लेकर जाएगी, ये एडवांटेज होगा, ठीक है। एडवांटेज, वी कैन हैव द सेम नेम फाइल्स इन द डिफरेंट डायरेक्टरीज, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि आप एक्स फाइल का नाम यहाँ पर भी रख सकते हो और एक फाइल का नाम एक्स यहाँ पर भी रख सकते हो, डिफरेंट डायरेक्टरी में रख सकते हो आप, ठीक है, फाइन। और देखिए डिसएडवांटेज क्या है, ग्रुपिंग ऑफ स्पेसिफिक फाइल्स आर नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है ग्रुपिंग ऑफ स्पेसिफिक फाइल, देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लो कि मुझे क्रिकेट की एक अलग से स्पेसिफिक फाइल बनाना है, एक स्पेसिफिक डोमेन बनाना है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, क्रिकेट मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी इस फाइल के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि अंडर 19 की भी इंफॉर्मेशन, अंडर 16 की भी इंफॉर्मेशन, अंडर 22 की भी इंफॉर्मेशन, और भी जो रिटायर्ड क्रिकेटर, सारे के सारे क्रिकेटर की इंफॉर्मेशन मुझे एक ही फाइल में रखनी पड़ेगी, यानी कि मुझे एक स्पेसिफिक फाइल को ढूंढना है, यानी कि अंडर 19 की अगर क्रिकेट की इंफॉर्मेशन देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, इस बड़ी सी फाइल को खोलना पड़ेगा जहां पर सारे क्रिकेटर की इंफॉर्मेशन रहेगी, और मुझे ढूंढना पड़ेगा कि भैया स्पेसिफिक जो डेटा मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ पर है। तो दैट मीन इट इज टाइम कंज्यूमिंग और नॉट भैया, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका बड़ा डिसएडवांटेज है, जहां पर आप एक पर्टिकुलर फाइल का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है, फाइन।
सेम डिसएडवांटेज आर सिंगल लेवल डायरेक्टरी बट इन द एट दिस टाइम एट द यूजर लेवल, जो मैंने कहा था जो आपको यहाँ पर डिसएडवांटेज नजर आए सिंगल लेवल डायरेक्टरी के, यहाँ पर भी आ जाएंगे वो चीज़, क्या क्या आप सेम नेम का फाइल आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, सॉरी सेम नेम का फाइल आप मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते, और इसकी एक्सेसिंग क्या रहेगी भैया, सीक्वेंशियली रहेगी, यानी कि आपके जितने फाइल्स बढ़ते जाएंगे सर्चिंग टाइम भी उतना बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगा टू लेवल डायरेक्टरी। अब यहाँ पर हमने देखा कि पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन, क्योंकि अगर क्रिकेट का मैं फाइल बना रहा हूँ तो सारे का सारे इन्फॉर्मेशन मुझे उसी एक ही फाइल में रखना पड़ेगा, पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स सी दिस थिंग्स। मल्टी लेवल डायरेक्टरी में मैं क्या करता हूँ भैया, और ट्री लेवल डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहां पर बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए मल्टी लेवल में क्या एकदम ट्री टाइप में होता है सारी चीजें, तो देखते हैं इस चीज को एक एक करके। तो इस तरह से हमने ये फुल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन यहां पर, तो यहां पर मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूं, चलिए अब देखते हैं क्या आप एक स्पेसिफिक फाइल को क्लासिफाई कर सकते हो या नहीं। जैसे कि मैंने बताया था कि अंडर 19 सारी क्रिकेट सारी इन्फॉर्मेशन हम एक ही फाइल में रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा सर्चिंग टाइम बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या वो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यहाँ पर हम देखेंगे कर सकते हैं कैसे। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायरेक्टरी का नाम मैंने दे दिया है क्रिकेट, ठीक है। अब क्रिकेट में क्या कर रहा हूं भैया, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 14, अंडर 22, अंडर 25, ये सारे क्रिकेटर की इंफॉर्मेशन की एक एक फाइल बनाकर इस क्रिकेट डायरेक्टरी के अंदर रख रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब ये क्रिकेट डायरेक्टरी कहां रख रहा हूं सरकार, क्रिकेट, तो मैंने यहां पर एक लिया सब डायरेक्टरी स्पोर्ट्स, यहां पर क्रिकेट की इंफॉर्मेशन रख रहा हूं, यहां पर हॉकी की इंफॉर्मेशन रख रहा हूं, और यहां पर कुछ वॉलीबॉल की इंफॉर्मेशन रख रहा हूं, ठीक है। यानी कि एक ही डायरेक्टरी के अंदर एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन मैं कर पा रहा हूं यहां पर, आई बात समझ में, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में एक अलग सा क्लासिफिकेशन मैं कर पा रहा हूं, बड़ी आसानी से कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, और यहां पर देखिए मैंने यहां पर इसको स्पोर्ट्स दिया। अब देखिए यहां पर आप कह सकते हो इस डायरेक्टरी का इंडियन स्पोर्ट्स या इंडियंस कह सकते हो या इंडिया कह सकते हो। इस डायरेक्टरी में इंडिया में क्या क्या होता है भैया, एक स्पोर्ट्स भी होता है, पॉलिटिक्स भी होता है, और यहाँ पर अलग अलग मेट्रो सिटीज है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस डायरेक्टरी में रखते हो विच इज रिलेटेड विद द इंडिया, ठीक है। और हर एक सब डायरेक्टरी का आप पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन कर सकते हो, यहाँ इसकी खूबसूरती ये है। चलिए बढ़िया, देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है। एक तो हमने पर्टिकुलर टाइप की क्लासिफिकेशन बड़ी आसानी से हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेट्स सी दिस वन एडवांटेज। सर्चिंग टाइम फॉर ए स्पेसिफिक फाइल ऑफ द डायरेक्टरी विल बी लेस। क्यों? क्योंकि भैया आप सीधा क्या करते हो, यहाँ पर इंडिया करते हो, स्पोर्ट्स करते हो, फिर क्या करते हो, क्रिकेट करते हो, और क्रिकेट में क्या करते हो भैया, अंडर 19 करते हो, यानी कि एक पर्टिकुलर डोमेन में जाकर आप उसको फाइल को अटैक कर सकते हो, यानी कि आपका सर्चिंग सीक्वेंशियल नहीं होता, आपको यहाँ पर इस तरह से सीक्वेंशियल करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर ऊपर से नीचे आराम से आ सकते हो, ठीक है। जिस टाइप का भी फाइल चाहिए, जिस टाइप का भी डोमेन चाहिए, आप उस स्पेसिफिक डोमेन को आप अटैक कर सकते हो, ठीक है। आपको अननेसेसरी दूसरी चीजों को एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स व्हाई इट इज फास्ट। बेटर क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइल, आपने अभी कुछ देर पहले देखा था। डिसएडवांटेज क्या है भैया, शेयरिंग बाय डुप्लीकेशन, यानी कि अगर मान लो कि मुझे यहां पर एक फाइल है, फाइल वन है, इस फाइल को आप यहां पर भी यूज करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट कॉपी करना पड़ेगा इसका मुझे, ठीक है। फाइल वन, यहां पर भी फाइल वन,
फाइल वन, यानी कि शेयरिंग विद डुप्लीकेशन, यानी कि मैं मल्टीपल टाइम उस फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ और सभी डायरेक्टरी को दे रहा हूँ। इससे हो जाए होगा क्या भैया, आप अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ द फाइल कर रहे हो, यानी कि अननेसेसरी यू आर कंज्यूमिंग द मेन मेमोरी। मैं करेक्ट और नॉट? यस। अगर एक फाइल अगर अपडेट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको सारे के फाइल्स अपडेट करना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या है, जब आप डुप्लीकेशन से कर रहे हो तो भैया बहुत ज्यादा स्पेस लगेगा, ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, तो इस इशू को ओवरकम करने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, शेयरिंग बाय डुप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इफ सेम फाइल एग्जिस्ट इन टू मोर डायरेक्टरीज देन वन फाइल इज अपडेटेड द अदर फाइल मस्ट बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने कुछ देर पहले बोला कि एक फाइल अगर आप अपडेट करते हो, कोई भी यूजर अपडेट करता है, तो सारे के सारे फाइल्स को आपको अपडेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, अदरवाइज क्या हो जाएगा भैया, डेटा इनकंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम आता है, जैसे कि मैंने हम ये जानते हैं कॉमन सिनेरियो। ठीक है, लेट्स सी दिस वन। तो इस शेयरिंग ऑफ डुप्लीकेशन को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ भैया, असाइक्लिक ग्राफ स्ट्रक्चर डायरी यूज करता हूँ, डायरेक्टरी यूज करता हूँ। लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। ठीक है, तो उसको उतारने के बजाय मैं क्या करूंगा, पीछे वाली फिगर को लेता हूं, उतार ही लेता हूं, कोई बात। ये क्या भैया डायरेक्टरी, ये क्या है, इसके सब डायरेक्टरी है। ठीक है, डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी, क्या जैसे कि आप एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर रखते हो, बिल्कुल रखते हो, तो यानी एक फोल्डर जो पहला आपका जो फोल्डर नजर आ रहा है, दैट इज सुपर डायरेक्टरी, उसके अंदर जितने भी फोल्डर्स रहेंगे दैट इज सब डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी। आ रही बात समझ में? चलिए बढ़िया। तो क्या आप एक फोल्डर के साथ साथ, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर स्पोर्ट्स दिया है, ठीक है, और ये हो गया है स्पोर्ट्स के अंदर कुछ एक डायरेक्टरी एक्स है, उस फोल्डर के अंदर आप एक फोल्डर स्पोर्ट्स के अंदर आप एक फोल्डर भी रखोगे, एक फोल्डर भी रखो और कुछ फाइल्स भी रखते हो, जैसे कि एक फोल्डर के अंदर आप कुछ फोल्डर्स भी रखते हो कुछ फाइल्स भी रखते हो। ठीक है, और जैसा इस फोल्डर को आप क्लिक करते हो तो और भी बहुत सारी चीजें आपको नजर, मल्टीपल फाइल्स नजर आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पॉसिबल है यहाँ पर। चलिए भैया, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मान लो कि मुझे ये फाइल शेयर करना है और डिफरेंट डिफरेंट यूजर है यहाँ पर, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, यूजर फोर। ठीक है, तो सारे के सारे लोग क्या करना चाहते हैं, इस फाइल को शेयर करना चाहते हैं। तो कैसे करोगे शेयर भैया, आप क्या करोगे, इस फाइल के ऊपर लिंक काउंट मेंटेन करोगे, लिंक काउंट मेंटेन करोगे। ठीक है, यानी एक ही फाइल रहेगी, हम एक लिंक काउंट मेंटेन कर रहे हैं, चलिए काउंट का वैल्यू इंडिकेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इस फाइल की तरफ तीन पॉइंटर्स आ गए हैं तो कितने लोग उसको शेयर कर रहे हैं भैया, इसका मतलब तीन लोग शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब जब भी कोई यूजर उसको डिलीट करने की कोशिश करता है तो क्या फिजिकली डिलीट होता है? नहीं होता है, लॉजिकली डिलीट होता है। यानी कि डिलीट कैसे होता है भैया, एक यूजर ने इसको डिलीट किया तो लॉजिकल ये लिंक क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, लेकिन फिजिकली फाइल डिलीट नहीं होगी और काउंटर का वेरिएबल क्या रहेगा भैया, दो हो जाएगा। और दूसरा यूजर अगर उसको डिलीट करता है तो इसका लिंक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा वन। ठीक है, यानी कि इसको लिंक डिलीट होगा, यानी लॉजिकली फाइल डिलीटेड होती हुई नजर आ रही है लेकिन फिजिकली डिलीट नहीं होती। फिजिकली क्या होता है, ये लिंक काउंट वेरिएबल क्या होता है, डिक्रीमेंट होते जाता है। कब तक डिक्रीमेंट होगा, मान लो कि ये भी बंदा इसको डिलीट करना चाहता है तो यह लिंक काउंट क्या हो जाएगा भैया, ये जीरो हो जाएगा। जब लिंक काउंट वैल्यू जीरो होती है तो फिजिकली आप इस फाइल को डिलीट करते हो। मैं फिर से दोहराता हूं, जब लिंक काउंट वैल्यू जीरो होती है तो आप फिजिकली इस फाइल को डिलीट करते हो। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो भैया, फाइल को शेयर कर रहे हो यहाँ पर। अब दूसरी बात, क्या यहाँ पर कोई साइकिल है, बताओ यहाँ पर कोई साइकिल बन रही है? कोई साइकिल नहीं है, इसलिए इसको कहता है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कभी साइकिल नहीं होती। आई बात समझ? चलिए, फाइल एलोकेशन मेथड्स देखते हैं। फाइल एलोकेशन मेथड्स, एम क्या है भैया इन फाइल एलोकेशन मेथड्स का, एम टू अलोकेट, कि किस तरह से मुद्दा क्या है इस चीज का देखते हैं। How to allocate space to a file so that this space is utilized effectively and file can be accessed quickly. यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है भैया, कि किस तरह से आप डिस्क की स्पेस को, क्योंकि आप जब भी फाइल सेव करते हो तो कहाँ पर सेव होती है, डिस्क पर सेव होती है, तो आप किस तरह से वो जो डिस्क के ब्लॉक्स है उस फाइल को दे रहे हो। ठीक है, जो भी मेथड आप हर जब भी आप वो फाइल्स को जब भी वो ब्लॉक को आप देते हो फाइल को, तो एक मेथड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइल अलोकेशन मेथड। ठीक है,
यानी कि मैं जो भी ऑर्डर में ब्लॉक्स को एलोकेट कर रहा हूँ फाइल को, एक मेथड यूज करके कर रहा हूँ। जैसे कि एक मेथड है भैया कंटिन्यूअस एलोकेशन करता हूँ, नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन भी कर सकता हूँ, इंडेक्स एलोकेशन भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से होगा। कंटिन्यूअस एलोकेशन क्या है, ऐसा करने से क्या होगा भैया, देखिए क्योंकि अलग अलग अप्रोचेस है तो उसका परफॉर्मेंस भी अलग अलग होगा, तो कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस है हमें ये देखना है बस, ठीक है। जैसे कि वही बात हो गई, सीपी शेड्यूलिंग में हमने देखा कि डिफरेंट सीपी शेड्यूलिंग है, लेकिन कौन सा बेहतर है वो देखना पड़ेगा। पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में भी हमने देखा कि डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, लेकिन कौन सा बेहतर है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर भी यही, सरकार अच्छा दिखा तो जरूर लाइक करना। कंटिन्यूअस एलोकेशन क्या होता है, यानी कि आप जब फाइल को ब्लॉक्स एलोकेट करते हो, सो दैट शुड बी इन कंटिन्यूअस मैनर, ठीक है। लेट्स सी दिस, फाइल नेम स्टार्टिंग डीबी एंड फाइल साइज, ठीक है। लेट्स सी दिस वन, मान लो कि आपने एक फाइल लिया है टेस्ट वन डॉट सी, दिस इज डायरेक्टरी एंट्री टेस्ट वन, इसका स्टार्टिंग डीबीए का मतलब सर डिस्क ब्लॉक एड्रेस, डीबीए का मतलब क्या है, डिस्क ब्लॉक एड्रेस। मान लो कि इसका चार है और कितना साइज है इसका, छह ब्लॉक है, ठीक है। और एक फाइल लिया है मैंने टेस्ट टू डॉट सी, टेस्ट टू डॉट सी, और यहां पर क्या बोलिए सरकार, यहां पर इसका मान लो कि 13 है, फाइल का साइज दो है। और एक फाइल लिया है मैंने टेस्ट थ्री डॉट सी, तो यहाँ पर क्या भैया देखते हैं 19 है और इसका फाइल का साइज 15 है। देखते हैं ये तीन फाइल किस तरह से मैं इसको डिस्क पर, किस तरह से उसको मैं डिस्क पर रखूंगा, ठीक है। देखते हैं, दिस इज हार्ड डिस्क, चलिए भैया चलिए, दिस इज ब्लॉक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और कुछ ब्लॉक्स लेता हूँ 25, 26, 27, 28, 29, ओके एंड 30। लेट्स सी दिस वन, हाउ टू एलोकेट दिस टेस्ट वन डॉट, इसका स्टार्टिंग डिस्क ब्लॉक एड्रेस क्या है भैया, चार है। कितना फाइल साइज है, छह है। और एलोकेशन क्या है, कंटिन्यूअस एलोकेशन, यानी कि आप जब भी फाइल को जहां पर भी रखोगे कंटिन्यूअसली एक ही जगह पर रखोगे, ठीक है। तो किस तरह से, इसका मतलब क्या है, चार से मैं शुरू करता हूँ उसका एलोकेशन, यहां से शुरू किया मैंने, ठीक है, और कंटिन्यूअसली छह ब्लॉक्स उसको एलोकेट कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एलोकेशन, यानी कि आपने टेस्ट वन डॉट फाइल को कंटिन्यूअसली छह ब्लॉक्स एलोकेट किए, फाइन। अभी देखते हैं टेस्ट टू डॉट फाइल का मतलब क्या है, 13 इसका स्टार्टिंग डीबी है, ठीक है। तो कितने ब्लॉक्स चाहिए इसको, दो चाहिए, 13 और क्या हो जाएगा भैया 14, बढ़िया। तीसरी फाइल का क्या है, 19 से शुरू है, 19 यहाँ से शुरू है, ठीक है, और कितने चाहिए इसको ब्लॉक्स, 5 चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हमने फाइल्स को ब्लॉक एलोकेट कर दिए, चलिए ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एलोकेशन, ठीक है। अब इसका परफॉर्मेंस देखते हैं, क्या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा यहां पर, बिल्कुल होगा। कहां पर रहेगा भैया, लास्ट ब्लॉक ऑफ ए फाइल, जैसे कि मान लो कि इस ब्लॉक फर्स्ट फाइल में क्या होगा, इसका साइज मान लो कि कुछ इस तरह से था, क्या बोलते हैं कि इसको, मान लो कि लास्ट ब्लॉक में किस तरह से होता है, मान लो कि अगर किसी फाइल का साइज 9 KB है और आपके ब्लॉक का साइज कितना भैया 2 KB है, तो कितने इसको, इस फाइल को कितने ब्लॉक चाहिए भैया, 5 ब्लॉक चाहिए, यानी कि लास्ट ब्लॉक में कितना डेटा फुल रहेगा, हाफ रहेगा, ठीक है, दैट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इन द लास्ट ब्लॉक।
तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है यहाँ पर, बिल्कुल है, बट इन द लास्ट ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला, क्या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है? लेट्स सी दिस टाइम, देखते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि मान लो कि एक फाइल आती है टेस्ट 4.c और वो बोल रही है कि मुझे 10 ब्लॉक्स चाहिए। कितने ब्लॉक्स चाहिए? 10 फ्री ब्लॉक्स चाहिए। तो आपके पास क्या हार्ड डिस्क में 10 से ज्यादा फ्री ब्लॉक्स है? बिल्कुल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उससे ज्यादा ही है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी इस फाइल को ब्लॉक्स अलोकेट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर कोई भी ब्लॉक्स कंटिन्यूअसली फ्रीली अवेलेबल नहीं है। आई बात समझ में, फिर से बोलता हूँ, कंटिन्यूअसली फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए क्या करेगा, हालांकि आप स्पेस फाइल के ब्लॉक से ज्यादा है लेकिन आप उसको फिर भी अलोकेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो ब्लॉक फ्री स्पेस है हार्ड डिस्क पर, दैट इज नॉट इन कंटिन्यूअस फैशन, दैट्स व्हाई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज देयर। सो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है भैया, यस। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी, यस। थर्ड, इंक्रीजिंग फाइल साइज। डोंट वरी, आई हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स हियर, ओके। सो आपको समझाने के लिए अलग से लिख रहा हूं, इंक्रीजिंग फाइल साइज। इंक्रीजिंग फाइल साइज क्या भाई, पॉसिबल है या नहीं है? समटाइम इट इज पॉसिबल, समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज डिपेंड दैट हाउ मेनी ब्लॉक्स आर फ्रीली अवेलेबल आफ्टर दैट फाइल। जैसे कि मान लो कि test1 को मैंने क्या किया, मैंने उस फाइल को ओपन किया और मैं उसमें डेटा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो मेरा बायोडाटा फॉर्म है जिसमें मैं कुछ मॉडिफाई करना चाहता हूँ। मॉडिफिकेशन के लिए मुझे क्या चाहिए भैया, और क्योंकि डेटा अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ इस फाइल को, और भी ब्लॉक्स चाहिए। तो आप कितने ब्लॉक्स अलोकेट कर पाओगे भैया? 3 से ज्यादा अलोकेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने ही ब्लॉक्स कंटिन्यूअसली फ्रीली अवेलेबल है, आप 3 से ज्यादा अलोकेट नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स क्योंकि 13 और 14 ने किसी और फाइल ने उसको ऑक्यूपाई किया है, तो आप 3 से ज्यादा अलोकेट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है, समटाइम इट इज पॉसिबल इंक्रीजिंग फाइल साइज। अगर मेरा रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 ब्लॉक का है तो आसानी से मैं कर दूंगा। अगर मेरा रिक्वायरमेंट 6 ब्लॉक का है तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है test1 फाइल को इंक्रीज करना। सो दैट्स व्हाई समटाइम इट इज पॉसिबल, समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल। दैट मींस व्हाट सर, इंक्रीजिंग फाइल साइज इज इनफ्लेक्सिबल, मैं बोलूंगा इसको, क्योंकि इट इज डिपेंड दैट हाउ मेनी ब्लॉक्स आर फ्रीली अवेलेबल आफ्टर दैट फाइल, ठीक है। अभी देखिए एक्सेस क्या रहेगा भैया, स्लो रहेगा फास्ट रहेगा भैया? एक्सेस यहाँ पर सीक्वेंशियल भी और रैंडम भी है। सीक्वेंशियल कैसे है भैया, देखो इस फाइल को अगर मैं बेस एड्रेस लेता हूं, ठीक है, सीक्वेंशियल कैसे होगा, इस ब्लॉक को लिया मैंने, इसको एक्सेस किया, फिर 6 को एक्सेस किया, 7 को किया, 8 को किया, 9, एक के बाद एक किया सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है, फाइन। अब देखिए रैंडम एक्सेस कैसे होगा, इस ब्लॉक का मैंने बेस एड्रेस लिया और जिस ब्लॉक का भी मुझे जंप करना है उसको एड्रेस को मैंने ऐड कर दिया, दैट मींस अरे काइंड ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जंपिंग पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। दैट मींस एक्सेसिंग सीक्वेंशियल भी है यहाँ पर, रैंडम भी है, क्योंकि ये सपोर्ट रैंडम एक्सेस कर रहा है, तो मैं इसलिए बोलूंगा इसका एक्सेसिंग फास्ट है। एम आई करेक्ट और नॉट? यस। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, इन द कंटिन्यूअस अलोकेशन डिस्क ब्लॉक्स आर अलोकेटेड टू द फाइल्स इन ए कंटिन्यूअस मैनर, ठीक है, फाइन। अभी देखते हैं, इंक्रीजिंग द फाइल साइज इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज बिकॉज द नेक्स्ट ब्लॉक मे और मे नॉट बी फ्री। हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, क्योंकि अगर दूसरा उसके बाद के ब्लॉक्स अगर फ्रीली अवेलेबल हैं तो उतने ही ब्लॉक्स तक आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, उसके आगे तो नहीं कर सकते। अगर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज सफरिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, ओके। हियर वी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक्जिस्ट इन द लास्ट ब्लॉक, ओके फाइन। इट सपोज बोथ सीक्वेंशियल एंड रैंडम, सिंस इट इज सपोर्टिंग द रैंडम दैट्स व्हाई आई विल से दैट एक्सेसिंग इज फास्ट, non-contiguous allocation. Let's see this one, non-contiguous allocation. क्या होता है? बात वही है सिर्फ non-contiguous allocation में। मैं क्या लेता हूं यहां पर एक वो directory entry, file name, starting DBA. ठीक है, लेट्स सी दिस test1.c स्टार्टिंग कितना भैया, मान लो कि मैं 2 से ले रहा हूं और इन कितना है इसका 7 है, तो देखते हैं इसको किस तरह से एलोकेट करते हैं। दिस इज ब्लॉक्स, दिस आर द ब्लॉक्स,
ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. लेट्स सी दिस। अभी देखो, मान लो कि कुछ ब्लॉक्स ऑलरेडी ऑक्युपाइड बाय सम अदर फाइल्स, ताकि आपको अप्रोच रैंडम लगे, इसलिए मैं इसको पहले से ही फिल कर रहा हूं। ठीक है, लेट्स सी दिस वन। दो से शुरू करना है आपको, यहां से मैंने इसको डेटा फिल किया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये बोल रहा है कि भैया तू नेक्स्ट ब्लॉक देख, 9 पे चले जा, तो 9 को मैंने पॉइंट कर रहा हूं, तो यहां से मैंने डेटा फिल किया। अब ये बोल रहा ऑपरेटिंग सिस्टम तू 13 को चले जा, तो 13 यहां पर डेटा फिल किया। फिर ये बोल रहा है कि भैया तू 18 पर चले जा, 18 यहां से डेटा फिल किया। फिर ये बोल रहा है कि तू 7 पर चले जा। अभी देखिए परफॉर्मेंस देखते हैं, तो इस तरह से क्या होगा, नॉन कंटिजियस एलोकेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज लिंक्ड एलोकेशन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। भैया इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल और नॉट? यस, ऑलवेज पॉसिबल इन द लास्ट ब्लॉक, क्योंकि उसको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर फाइल में लास्ट ब्लॉक में हो सकता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इज दिस पॉसिबल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? नो। क्यों? क्योंकि यहां पर आप रैंडम एलोकेशन वाली बात कर रहे हो, यानी कि नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन की बात कर रहे हो, यानी कि जहां पर भी फ्री ब्लॉक रहेगा मैं वहां पर जंप करूंगा। जैसे कि 2 के बाद मैं 3, 4 की जरूरत नहीं है मुझे, 2 के बाद जहां पर भी फ्री ब्लॉक देखे बस मैं उसको एक्सेस करूंगा। आई बात समझ में? तो दैट मीन्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज नो। पहले वाले केस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्यों हो रहा था? क्योंकि मुझे जब भी एक फाइल को एलोकेट करना हो रहा था तो मुझे कंटिन्यूसली ब्लॉक्स देखना पड़ रहा था कि कंटिन्यूसली उतने ब्लॉक्स खाली है या नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई फंडा नहीं भैया, जब भी कोई फाइल अगर पूछती है मुझे, जैसे कि मान लो कि कोई फाइल आती है मुझे पूछती है टेस्ट 2.c और ये पूछ रही है कि मुझे चार ब्लॉक्स चाहिए, चार ब्लॉक्स चाहिए। ठीक है, तो मैंने उसको मान लो कि 3 दे दिया, उसके बाद 10 दे दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, 10 उसको खाली दिखा, उसके बाद 15 दे दिया, उसको 20 खाली दिया तो 20 दे दिया। ठीक है, अगर उसको मान लो कि 5 चाहिए तो क्या 17 खाली दिखा तो 17 दे दिया। यानी कि जहां जहां पर भी फ्री ब्लॉक्स है वहां वहां पर उसको ऑक्यूपाई कर सकते हो, आप जंप कर सकते हो। आ रही बात समझ में? दैट मीन्स नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंक्रीजिंग फाइल साइज इज पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल। इंक्रीजिंग फाइल साइज पॉसिबल? यस, जब तक फ्री ब्लॉक्स रहेंगे हार्ड डिस्क पर तब तक तो इंक्रीजिंग फाइल साइज पॉसिबल। ठीक है, एक्सेसिंग क्या भैया, सीक्वेंशियल है या रैंडम है? सीक्वेंशियल, क्योंकि इट इज एक्टिंग लाइक सिंगल लिंक लिस्ट और नॉट सर्कल। यस, सो इट इज एक्सेसिंग सीक्वेंशियल। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं ब्लॉक नंबर 13 को एक्सेस करना चाहता हूं तो क्या मुझे पहले ब्लॉक नंबर 2 को एक्सेस करना पड़ेगा? अननेसेसरी एक्सेसिंग है। फिर 9 को करना पड़ेगा, 9 ने मुझे एड्रेस 13 का दिया, क्योंकि 2 मुझे 9 का एड्रेस देगा, 9 मुझे 13 का एड्रेस देगा, तो मुझे सीक्वेंशियली आना पड़ेगा हमेशा। दैट्स व्हाई इट इज एक्सेस कितना भैया, कंक्लूजन इज स्लो। आई बात समझ? चलिए, इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा है, इंक्रीजिंग फाइल साइज ऑलवेज पॉसिबल इफ द फ्री ब्लॉक्स आर अवेलेबल इन द हार्ड डिस्क। ठीक है, फाइन, there is no external fragmentation, fine, internal fragmentation may exist in the last block of a file, badhiya, it supports sequential access of the file, jo humne abhi dekha tha, there is overhead of maintaining the pointers in every disk block, yahan par agar aap dekh rahe ho, uska additional disadvantage kya hai, भैया यहाँ पर आप डेटा रखने के बजाय क्या रख रहे हो, अदर दूसरे ब्लॉक का एड्रेसेस रख रहे हो। यहाँ पर भी क्या कर रहे हो, दूसरे ब्लॉक्स का एड्रेसेस रख रहे हो, तब क्या आप वहां पर डेटा रखना चाहिए? तो इट इज ओवरहेड और नॉट? यस। अननेसेसरी यू आर वेस्टिंग स्पेस इन द ब्लॉक और नॉट? यस। द इन डीबीए कंफर्म्स दैट द टोटल टोटल फाइल इज एक्सेस। आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर फाइल जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ वो खत्म हो चुकी है? ये हमेशा इन डिस ब्लॉक एड्रेस हमेशा ये कंफर्म करता है कि भैया आपका एक्सेसिंग खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भैया इसको आराम से देख लेंगे। इंडेक्स एलोकेशन क्या होता है? लेट्स सी दिस वन। इंडेक्स एलोकेशन, इंडेक्स एलोकेशन में क्या होता है भैया? बात बहुत सिंपल है यहां पर। इंडेक्स एलोकेशन में दिस इज डायरेक्टरी एंट्री, फाइल नेम, ठीक है,
IBA इंडेक्स ब्लॉक एड्रेस, मान लो कि मैं यहाँ पर test1.c फाइल ले रहा हूँ और इंडेक्स ब्लॉक एड्रेस x है, तो इंडेक्स ब्लॉक एड्रेस क्या है देखते हैं। ये ऐसे ब्लॉक का एड्रेस है यहाँ पर जिस ब्लॉक के अंदर डेटा नहीं है। क्या है भैया, क्या है? डेटा ब्लॉक्स के एड्रेसेस है। क्या है? डेटा ब्लॉक्स के एड्रेसेस है। दिस इज डेटा ब्लॉक, ठीक है। इसका एड्रेस मान लो कि M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M5। तो इसके एड्रेसेस कहां पर है भैया, बोलिए सरकार? इस ब्लॉक के अंदर है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक ब्लॉक ले रहा हूं, उसके अंदर किसी भी फाइल के जितने भी डेटा ब्लॉक्स है उसके एड्रेसेस को एक ब्लॉक के अंदर मेंटेन कर रहा हूं। अब मुझे test1.file एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं डायरेक्ट डेटा एक्सेस करूंगा? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, उस ब्लॉक को एक्सेस करूंगा जिसके अंदर इस फाइल के डेटा ब्लॉक्स के एड्रेस है। उस ब्लॉक का एड्रेस क्या है भैया, यहाँ पर क्या है बोलिए, एक्स है। आ रही बात समझ में? चलिए, अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार फाइल उतनी हो जितने एक ब्लॉक के अंदर एड्रेसेस आ रहे हो। जैसे कि मान लो कि इस ब्लॉक की एड्रेसेस होल्डिंग कैपेसिटी 50 की है, क्या ये जरूरी है कि हर बार एक फाइल के अंदर 50 या उससे कम ही डेटा ब्लॉक हो? जरूरी नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर ज्यादा हो गए तो क्या करोगे, जैसे कि मान लो कि एक फाइल के 75 या 100 डेटा ब्लॉक्स निकल के आए, तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना भैया। अगर फाइल का साइज बढ़ता है तो क्या करना चाहिए, 50 से ज्यादा हो गया समझ लो फाइल का साइज ओवरऑल, तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, आई विल कीप एज इट इज, आई विल टेक सेपरेट थिंग एक्स, M1, M2, M3, M4। यहाँ लास्ट में क्या है, डेटा ब्लॉक का एड्रेस रखने के बजाय मैं और एक ब्लॉक का एड्रेस रखूंगा। मान लो कि दिस इज X1, तो X1 मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या ले रहा हूँ भैया, बाकी जो डेटा ब्लॉक्स है किसी भी फाइल के, उसको मैं और एक ब्लॉक में रख रहा हूँ एड्रेसेस, उसके एड्रेसेस को। जैसे कि मान लो कि M5, M6, M7, M8, so on। तो इस तरह से जब फाइल का साइज बढ़ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, और एक ब्लॉक ले रहा हूँ और उस ब्लॉक में क्या कर रहा हूँ, उस फाइल के जो डेटा ब्लॉक्स है उसके एड्रेसेस को रख रहा हूँ। आई बात समझ में? चलिए बढ़िया। तो इस तरह से क्या होता है, इंडेक्स एलोकेशन होती है यहाँ पर। अभी देखिए, इसी का मॉडिफिकेशन वर्शन है आइनोड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इंडेक्स एलोकेशन का ही मॉडिफाइड वर्शन है, ठीक है। हाँ, इसीलिए फाइल एलोकेशन मेथड में हमेशा तीन चीजें बताई जाती है, कंटिन्यूअस एलोकेशन, नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन, इंडेक्स एलोकेशन। बट व्हाई वी आर नॉट क्लासिफाइंग अंडर द फाइल एलोकेशन लाइक आइनोड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आल्सो, बिकॉज इट इज एन एक्सटेंशन वर्शन ऑफ, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स एलोकेशन। अरे बात समझ में? ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती है, ठीक है। तो इसका डेटा क्या है, इन द इंडेक्स एलोकेशन वन डिस्क ब्लॉक इज यूज्ड टू जस्ट स्टोर द डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस ऑफ द फाइल। क्या है इसका मतलब, एक डिस्क ब्लॉक लूंगा यहाँ पर, क्या करूंगा, फाइल के जितने भी डेटा ब्लॉक्स है उसके एड्रेसेस को मैं रख दूंगा यहाँ पर, फाइन। एवरी फाइल इज एसोसिएटेड विद इट्स ओन इंडेक्स ब्लॉक। हर एक फाइल का क्या होता है, अपना इंडेक्स ब्लॉक होता है हर एक फाइल का, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे फाइल के लिए मैं एक ही इंडेक्स ब्लॉक यूज कर रहा हूँ, नहीं। If file is very large, then one disk block is not sufficient to store the disk block addresses of the file. जैसा बढ़िया, मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया था, जहाँ पर अगर फाइल लार्ज है, if file large, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको बाद में से भी याद रहे, if file is large, ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज है, तो क्या उसके बहुत सारे डेटा ब्लॉक्स आएंगे, तो उस डेटा ब्लॉक्स के एड्रेसेस को होल्ड करने के लिए मुझे कुछ और भी ब्लॉक्स चाहिए, मतलब सिंपल है, ठीक है। लेट्स सी दिस वन। If file is very small, then wastage of using one disk block just to store the disk block addresses. देखो भैया, इसका मतलब क्या है? अब ये जरूरी नहीं है कि फाइल हमेशा बहुत बड़ी रहे या मीडियम साइज की रहे, जहां पर हमेशा disk block जो ब्लॉक ले रहा हूं मैं, जहां पर मैं डेटा ब्लॉक्स के एड्रेसेस को यूज कर रहा हूँ, ये वाला। अब ये जरूरी नहीं है, अगर ये इसकी होल्डिंग कैपेसिटी 50 की हो तो हमेशा फाइल का साइज 50 या 50 से ज्यादा रहे। कभी हो सकता है टेस्ट टू डॉट है, यहाँ पर मैंने उसका वाई ले लिया समझ लो, और इस फाइल के अंदर सिर्फ 3 ही डेटा ब्लॉक हैं, और क्या हो जाएगा, लेकिन इस ब्लॉक की कैपेसिटी कितनी है, 50 एड्रेसेस को होल्ड करने की, लेकिन आप कितने एड्रेसेस को होल्ड कर रहे हो भैया यहाँ पर, जैसे कि मान लो कि N1, N2, N3, 3 ही एड्रेसेस को होल्ड कर रहे हो, दैट मीन्स अननेसेसरी यू आर वेस्टिंग दिस स्पेस और नॉट, यस, आर यू गेटिंग मी और नॉट, फाइन। So you are unnecessary wasting if the block space, if you are unnecessary wasting block space if the file size is very small, ठीक है, fine। Let's see inode structure. Inode structure क्या है, किस तरह से देखते हैं।
देखिए यहाँ पर जनरल एट्रीब्यूट्स को रखते हैं हम किसी भी फाइल के, जैसे कि मान लो कि फाइल का नाम क्या है, परमिशन क्या है, साइज क्या है, लोकेशन क्या है, हु इज द ओनर ऑफ दैट फाइल, ये सारी इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर रख दूंगा। फाइन, अगर मान लो कि आपका फाइल का साइज 10 ब्लॉक्स का है, ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्ट DBA, यानी कि मैं सारे के सारे 10 ब्लॉक के एड्रेसेस को यहाँ पर होल्ड करूंगा, जैसे कि मान लो कि M1, M2, M3 और M10, ठीक है, तो ये सारे के सारे एड्रेस मैं कहाँ पर रखूंगा भैया, यहाँ पर रखूंगा। तो ये हो जाएंगे भैया, क्या है ये, क्या ये ब्लॉक के अंदर क्या है, ये इस ब्लॉक के अंदर क्या डेटा है या एड्रेसेस है, डेटा है। फाइन, अब ये जरूरी नहीं है कि आपके फाइल के साइज में हमेशा 10 ही ब्लॉक रहे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं क्या ले रहा हूँ, सिंगल इनडायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लूंगा भैया, देखिए X एक एड्रेस लूंगा, इसके अंदर मैं क्या लूंगा बोलिए, इसके अंदर मैं लूंगा एड्रेसेस ऑफ डेटा ब्लॉक्स, यानी कि मान लो कि यहाँ पर 10 से था, तो मैं M11, M12, M13, M14 इस तरह से ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि इस तरह से आपने 50 एड्रेसेस को यहाँ पर एक ब्लॉक के अंदर रखा, यानी कि फाइल का साइज कितना है, 60 ब्लॉक का है, ठीक है, ये 10 और ये 50, 60 ब्लॉक्स का होगा, ठीक है। चलिए, उस फाइल के अंदर 60 डेटा ब्लॉक्स आ गए, ठीक है। फाइल, अब ये जरूरी है कि फाइल के अंदर 60 ही डेटा ब्लॉक है, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, डबल इनडायरेक्ट। डबल इनडायरेक्ट के लिए क्या कर रहा हूँ भैया, देखो बात सिंपल है, डबल इनडायरेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, एज इट इज ऐसे ही रखूंगा, लेकिन यहाँ पर डेटा, ये क्या थे यहाँ पर, इस बार सिंगल इनडायरेक्ट में डेटा ब्लॉक्स थे। अब इस डेटा ब्लॉक्स के अंदर मैं बजाय डेटा रखने के बजाय इन ब्लॉक्स के अंदर मैं क्या रख रहा हूँ, एड्रेसेस ऑफ द डेटा ब्लॉक्स रख रहा हूँ, ठीक है, एड्रेसेस ऑफ द डेटा ब्लॉक्स। लेट्स सी दिस वन, यहाँ पर मैं डेटा नहीं रखूंगा, क्या रखूंगा भैया, एड्रेसेस ऑफ द डेटा ब्लॉक्स, हर एक ब्लॉक के अंदर एड्रेसेस ऑफ द डेटा ब्लॉक्स, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, फाइनली आई एम कमिंग टू द कंक्लूजन दैट, ठीक है, दिस इज व्हाट डेटा ब्लॉक। अभी देखिए, अब मान लो कि आपके फाइल का साइज इससे भी ज्यादा बड़ा है, तो क्या करोगे, ट्रिपल इनडायरेक्ट लोग, ट्रिपल इनडायरेक्ट, भाई बहुत बड़ी फाइल हो जाएगी, ठीक है, ट्रिपल इनडायरेक्ट। फाइन, लेट्स सी दिस वन, अभी देखो यहां पर देखो, नंबर ऑफ डायरेक्ट DBA क्या मतलब क्या है, सारे डायरेक्ट आप डेटा ब्लॉक के एड्रेसेस को होल्ड कर रहे हो। सिंगल इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, इस एड्रेस और इस डेटा ब्लॉक के एड्रेस डेटा ब्लॉक के बीच में एक दीवार आ गई है सिंगल इनडायरेक्ट की। डबल इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा, इस एक्स और इस डेटा ब्लॉक के बीच में कितने दीवार आ गई भैया, दीवार नंबर 1 एंड दीवार नंबर 2। ट्रिपल इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, ट्रिपल इनडायरेक्ट का मतलब बहुत सिंपल है, यहां पर मैं फिर से क्या करूंगा, डेटा नहीं रखूंगा, इन ब्लॉक्स के अंदर भी क्या रखूंगा, मैं एड्रेसेस रखूंगा, यहाँ पर एड्रेसेस ऑफ डेटा ब्लॉक्स, यानी कितनी बड़ी फाइल हो जाएगी भैया, बहुत बड़ी फाइल हो जाएगी। आ रही बात समझ में, तो अच्छा दिखा तो उसको जरूर लाइक करना, ठीक है। तो इस तरह से आप एक फाइल को स्टोर करते हो बाय यूजिंग आईनोड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स एलोकेशन। देखो यहाँ पर सिमिलरली इंडेक्स एलोकेशन वाली बात नजर आ रही है, नहीं, बिल्कुल आ रही है सरकार, ठीक है, और उसी के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड भी किया जा रहा है। चलिए बढ़िया, तो this one inode is with respect to the every file and every file has its own inode, theek hai, har file ka apna ek inode structure hota hai, theek hai, inode is associated with the various disk blocks, in some disk blocks we are storing the data and in some disk blocks we are storing the addresses, data aur addresses, yahan par aap kya kar rahe ho bhaiya, ye jo blocks hai ya to aap data store kar rahe ho ya to addresses store kar rahe ho, yahan par aap kya kar rahe ho, addresses ko store kar rahe ho aur yahan par data ko kar rahe ho, फिर यहाँ पर ये डेटा है और यहाँ पर क्या भैया एड्रेसेस है, आ रही बात समझ में, हाँ, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। सो होप यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन, अगर अच्छा दिखा तो जरूर लाइक करना, ठीक है। लेकिन आगे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, अगर आप प्लस कोर्स लेते हो 12 महीने का भैया, तो 22,500 रुपये में पड़ेगा, और जल्दी करना, बहुत बहुत जल्द प्राइसेस हाइक होने वाली है, आई थिंक अक्टूबर 20 से हाइक होने वाली है। अगर आप प्लस कोर्स लेते हो तो खाली 10 कोड यूज करना, यू विल गेट
यू विल गेट 22,500 रुपए में। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो भैया आप 40,500 रुपए में कोर्स पड़ेगा। बहुत जल्दी करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, अक्टूबर 20 के बाद प्राइसेस हाइक होने वाली है, कंफर्म हो चुका है, ठीक है। चलिए और क्या, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है, 22,500 रुपए में कोर्स पड़ेगा, भैया आना और इंजॉय करना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास गेट एस्पिरेंट के नाम से MECCSE का फेसबुक ग्रुप है, वहां पर जाना और उसको फॉलो करना, ठीक है, क्योंकि भैया माहौल में रहोगे तो अच्छा रैंक आएगा। और एक हमारे पास गेट एस्पिरेंट के नाम से जहां पर 150K प्लस मेंबर्स है, जहां पर आप जाओ और फॉलो करो उसको, माहौल जरूरी है भैया, ठीक है। हमारा और एक है अनअकैडमी गेट CS के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाना उसको सब्सक्राइब करना, भैया जो भी हम पढ़ाते हैं वहां पर उसका PDF मिलता है, ठीक है। अगर आपको नहीं, आपको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी ज्यादा क्लासेस चाहिए और जल्दी चाहिए, तो आप एक काम करना, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना, वहां सर्च में जाकर खलील अहमद को टाइप करना एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासेस फ्री। बहुत ज्यादा स्पेशल क्लासेस आपको मिलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, भैया जाना सर्च करना सीखना, ठीक है, और वहां पर फॉलो भी करना। अगर दूसरे सब्जेक्ट या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी अगर क्लासेस होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी, ठीक है, तो वहां पर जाकर टाइप करना। अब देखिए अनअकैडमी क्या है भैया, इंडिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म बन चुका है। जो आप इस क्लास को सुन रहे हो दैट इज अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस सुन रहे हो भैया, जाने से पहले लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, जरूर लाइक करना, जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लेकिन और भी क्या है हमारे पास यूट्यूब पर, और भी यूट्यूब पर भैया गेट EC इलेक्ट्रिकल के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, गेट मैकेनिकल के नाम से है, गेट सिविल इंजीनियरिंग के नाम से है, गेट तेलुगु के नाम से है, तेलुगु दोस्तों के लिए, SSC JEE के नाम से है, और अनअकैडमी गेट क्वेश्चंस के नाम से, इलेक्ट्रिकल जंक्शन के नाम से है, अनअकैडमी इंजीनियरिंग फाउंडेशन के नाम से, इंजीनियरिंग पाठशाला के नाम से है। लेकिन आप जो चैनल देख रहे हो दैट इज अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस, जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी बताना, अगर वो EC इलेक्ट्रिकल के हो तो भैया और भी यूट्यूब चैनल्स है, यहां पर आपको आना है और फ्री में सीखना है, ठीक है। यहां अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस और दूसरे भी चैनल्स पर हर दिन फ्री में क्लासेस मिलती हैं, आप जाना वहां पर उसको सब्सक्राइब करना, और भैया ज्ञान बट रहा है तो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। थैंक यू। अगर आप प्लस पर कोर्स ले रहे हो तो खलील 10 कोड यूज करना, मैं फिर से बता रहा हूं 20 तारीख लास्ट हो चुकी है कंफर्म, आपके प्राइसेस हाइक होने वाले हैं सभी के, तो खलील 10 कोड यूज करना, यू विल गेट मिनिमम 10% डिस्काउंट, ओके। सो विल मीट नेक्स्ट टाइम फॉर नेक्स्ट क्लास। तो अभी इजाजत दीजिए अपने दोस्त खलील को, हम नेक्स्ट डे मिलते हैं कुछ और अच्छे टॉपिक्स के साथ, कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए बाय बाय।